पुतिन ने किया यूक्रेन पर हमले का आदेश। पहले ही घंटे में मारे गए इतने यूक्रेनी सैनिक। पिछले कुछ दिनों से जिस रूस यूक्रेन युद्ध की आशंका दुनिया भर के एक्सपर्ट जता रहे थे, आखिरकार वो युद्ध शुरू हो चुका है। 24 फरवरी 2022 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टीवी के जरिए युद्ध की घोषणा की है। जैसे ही पुतिन ने युद्ध की घोषणा की, उसके कुछ ही मिनट के बाद से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त धमाके होने शुरू हो गए। जैसे ही पुतिन ने युद्ध का ऐलान किया, रूस के सैनिक अलग अलग रास्तों से यूक्रेन के अंदर घुसने शुरू हो गए। खबर आ रही है कि रूस ने युद्ध की शुरुआत रूस और यूक्रेन के आपस में मिलने वाले बॉर्डर वाले हिस्से से शुरू की है। खबरों के मुताबिक बॉर्डर पर यूक्रेनी सैनिकों पर रूस के सैनिकों ने तोपों से गोले दागने शुरू कर दिए और कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और फिर वहां से रूस के अंदर दाखिल हो गए। कहा जा रहा है कि रूस अलग अलग रास्तों से लगातार यूक्रेन के अंदर घुसता ही जा रहा है। सबसे पहले यूक्रेन की राजधानी कीव के अलावा निप्रो और खार्किव में सेना मुख्यालयों, हवाई पट्टियों और सेना वेयरहाउसों पर हमले हुए हैं। इन हमलों में यूक्रेन की सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इसके सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए हैं। साथ ही यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से लगभग ध्वस्त हो चुका है। इसके अलावा यूक्रेन के अलग अलग शहरों में लगातार बमबारी की जा रही है। इन बमबारियों में यूक्रेन के कई बड़े शहरों की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है तथा लोग सर छुपाने को इधर उधर भागते फिर रहे हैं। अब तक जो खबर आई है उसके मुताबिक युद्ध की घोषणा के पहले घंटे में ही यूक्रेन के 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। मरने वाले ज्यादातर सैनिक हैं, वहीं काफी संख्या में आम नागरिक भी हताहत हुए हैं। वैसे पुतिन ने ऐलान किया था कि आम नागरिकों को बिल्कुल भी निशाना नहीं बनाया जाएगा, मगर यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में आम नागरिकों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अब तक के हमलों में रूस ने यूक्रेन के कई सैनिक छावनियों, सैनिक हवाई अड्डों तथा हथियार घरों को तबाह कर दिया है। वहीं रूस लगातार यूक्रेन के सैनिकों से हथियार डालने को भी कह रहा है। वैसे तो अब तक की लड़ाई में यूक्रेन का ही ज्यादा नुकसान हुआ है, मगर यूक्रेन की ओर से भी दावा किया गया है कि अब तक यूक्रेन के सैनिकों ने भी रूस के 5 लड़ाकू विमानों तथा 1 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। हालांकि अब तक इस दावे पर रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और लगातार रूस आक्रामक तरीके से चारों ओर से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। अब तक यूक्रेन को किसी दूसरे देश की मदद नहीं मिली है। हालांकि अमेरिका समेत सभी दूसरे नाटो देश और रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। इधर पुतिन ने युद्ध में यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को भी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी भी देश ने रूस को रोकने की कोशिश की या यूक्रेन की मदद की, तो उसका वो अंजाम होगा जैसा आज तक इतिहास में कहीं नहीं सुना गया। दोस्तों, आपके हिसाब से रूस यूक्रेन युद्ध के लिए सबसे जिम्मेदार कौन है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो लाइक और शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल यू थिंक हिंदी।